पालम विहार अपने आप में काफ़ी फेमस है। फ्लोरिंग मिलती है वो है वुडन की, क्योंकि ड्रेसर भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा दिया गया है, काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग दी गई है। कैसा लग रहा है लेआउट, कैसे लग रही है ओपननेस? आज नया दिन, नई शुरुआत आप लोगों के लिए, काफ़ी बेहतरीन बिल्डर फ्लोर हम लेके आते हैं। तो आज का जो बिल्डर फ्लोर है वो है सेक्टर 23 गुड़गांव में, और ये पड़ता है पालम विहार के पास। काफ़ी बढ़िया लोकेशन है, ओपननेस और नेचुरल लाइट। हम फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी ओपननेस इस लेआउट में नज़र आ रही है। 4 बेडरूम है, 4 वॉशरूम है, 300 स्क्वायर का साइज़ है, काफ़ी बढ़िया प्लानिंग की है, काफ़ी बढ़िया लेआउट है। चीज़ों की बात करें तो मॉड्यूलर किचन मिलता है आपको, सारे LCD पैनल्स मिलते हैं, डिज़ाइनर मिरर्स मिलते हैं, और काफ़ी अच्छा वॉशरूम के साइजेस निकल के आए हैं इसमें। और फिनिशिंग के अंदर की बात करें तो काफ़ी अच्छी की गई है, छोटी छोटी एलिमेंट्स के पार्ट्स भी इनमें आपके डाले गए हैं। और अप्रोच की बात करूँ तो अप्रोच काफ़ी बढ़िया है, आप NH 8 से अगर बात करें तो तकरीबन 10 से 15 मिनट की ड्राइव पर आप आराम से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। पालम विहार अपने आप में काफ़ी फेमस है, आप दिल्ली की, अगर हम दिल्ली की कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ से तकरीबन 10 मिनट्स की ड्राइव पे आप दिल्ली को टच कर लेते हैं। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो आपको यहाँ पे मिलते हैं। आने वाले टाइम में यहाँ पे मेट्रो की प्लानिंग चल रही है, ओवर ब्रिजेस बनने की प्लानिंग चल रही है, तो सब चीज़ों का पार्ट आपको सपोर्ट मिलता है फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में। और मार्केट की बात करें तो सेक्टर 23 की मार्केट अपने आप में काफ़ी फेमस है, जो आपको बहुत नियरेस्ट मिलती है, बहुत वॉक इन पे है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, डिटेलिंग में ज़्यादा चले जाएंगे, आइए मैं आपको घर दिखाता हूँ, आइए। हाँ जी, वेलकम बैक। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ लेआउट से। लेआउट से पहले अगर मैं पार्किंग की बात करूँ तो नीचे काफ़ी मैसी हो रखा है पार्किंग, हर घर को दो दो गाड़ियों की पार्किंग मिलती है, काफ़ी अच्छा स्पेस निकल के आता है, और इवन एक एक गेट भी आपको मिल सकता है इसमें, क्योंकि अभी 4 गेट लगे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, फ्लोर पर हम आ चुके हैं, और बीच में आपको ये लॉबी मिलती है, और फ्रंट में आपको ड्राइंग रूम का स्पेस मिलता है, फर्स्ट बेडरूम विद अटैच वॉशरूम मिलता है। ये दोनों चीज़ें आपको फ्रंट में हो गई। उसके बाद सेंटर में है लॉबी, सेकंड बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, और ये कॉमन भी रहेगा। थर्ड बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, सेंटर में आपका किचन हो गया, फोर्थ बेडरूम विद अटैच वॉशरूम। तो यहाँ पे हम सेंटर में ड्राइंग डाइनिंग में है, एंट्री करते ही काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग शेंडर मिलता है आपको, और छोटे छोटे एलिमेंट इसमें दिए गए हैं, हैंगिंग लाइट्स हो गई और वॉलपेपर्स हो गए, तो आप अपने हिसाब से भी कुछ बिल्डर से नेगोशिएट भी कर सकते हैं चीज़ें। तो ज़्यादा देर नहीं करता, पूरा घर अब दिखाते हैं। जो जो चीज़ें मिसिंग लग रही हैं या आपको अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा और बताइएगा कि क्या मिसिंग है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं, आइए। आप भी हमारे साथ ना वीडियो बनाते हुए, जैसे हम वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, या घर आपको दिखाता हूँ मैं, शोकेस करते हैं, तो आप भी ना इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, और आप अपने जैसे जैसे आप घर देख रहे हो कोई कमी नज़र आ रही है तो नीचे कमेंट कर दिया करो, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ यार आपको एक चीज़ अच्छी लग रही है, इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। तो हमें भी इम्प्रोवाइज़ करना है, टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, एंट्री करते ही काफ़ी बढ़िया ड्राइंग रूम आपको मिलता है, ऊपर आपको फॉल सीलिंग मिलती है, इसमें आपको कॉफ लाइट्स दी गई हैं फॉल सीलिंग के अंदर। ये आपकी बैक है जो आपको वॉलपेपर के साथ मिल रही है, इसमें आपको वॉलपेपर का ऑप्शन मिलेगा कि आप अपने अकॉर्डिंग जो लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। ये एक सैंपल के तौर पे है, कोई चीज़ कोई अमेंडमेंट करनी है तो इस स्टेज पे ये चीज़ हो सकती है, लेटर ऑन पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। और आप देखें पूरा इटालियन, आप देखें काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस तरीके से डाइनिंग का स्पेस और लॉबी का स्पेस है, और ये है पूजा का स्पेस, आप अपने अकॉर्डिंग इसको और अच्छा डिज़ाइन भी कर सकते हैं।
इस तरीके से यहाँ पे ये आपको LCD पैनल मिलता है, ये इसका फर्स्ट बेडरूम है और LED स्ट्रिप लाइट्स भी मिलती हैं इसमें कंसील्ड। ये आपकी प्रॉपर बेड की बैक है और यहाँ पे आपको एक ड्रेसर मिलता है। ड्रेसर दिखाने से पहले आपको इसमें जो फ्लोरिंग मिलती है वो है वुडन की, लाइट कलर में है, प्रॉपर वुडन की फ्लोरिंग मिल रही है। फॉल सीलिंग भी देखें तो आपको एक डिसेंट फॉल सीलिंग मिलती है। ये आपको एक पूरा टॉप टू बॉटम आपको एक मिरर मिलता है ड्रेसर वाला और ऊपर आपको स्पॉटलाइट मिलती है। ये आपकी स्लाइडर्स हैं। इसका जो लैमिनेट है ना वो मुझे एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा डार्क लगा, आप इसमें कुछ और भी वर्किंग कर सकते थे। बिल्डर को मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि हाँ थोड़ा सा डार्क लगा, बाकी आपका टेस्ट है यार। अगर बहुत लोगों को ये भी अच्छा लगा होगा तभी बिल्डर ने लगाया, बट मेरा टेस्ट थोड़ा सा लाइट कलर में है और सूदिंग कलर में, जो नेचुरल कलर है उस तरह थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो अब मैं आपको इसका वॉशरूम दिखाता हूँ। इस तरीके से इसका प्रॉपर वॉशरूम है। जैकवार की सारी फिटिंग्स मिलती हैं, ये भी आपका जैकवार का हो गया, टॉप भी आपका इटालियन का है, ये सारी चीज़ें आपकी जैकवार हैं। हाफ ग्लास पार्टीशन दिया गया है बल्कि ये फिक्स भी है, ये आपकी जैकवार है। लाइट कलर के अंदर टाइल्स हैं। इस तरीके से जो वॉशरूम है डिसेंट साइज का है क्योंकि ड्रेसर भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा दिया गया है, तो वो छोटी सी चीज़ें कहीं ना कहीं मैनेज करनी पड़ती हैं बिल्डर को। ये है आपका सेकंड बेडरूम और सामने की तरफ हाइलाइटेड वॉल है जिसमें आपको टू सेक्शन वाटर मिलती है। ये जो बेडरूम है ये सेंटर में है, इसके साथ एक फिक्स ग्लास दिया गया है। यहाँ पे अगर विंडो होती तो और अच्छा होता, वेंटिलेशन आपको मिल जाता, बट ये कि अगर सुबह की नेचुरल लाइट होगी तो शायद आपको नज़र आ पाए। बट ये है आपका बेड की बैक, वुडन फ्लोरिंग आपके सामने, सेम जो लास्ट बेडरूम की तरह है, जो फर्स्ट बेडरूम की तरह सेम वुडन फ्लोरिंग दी गई है और LCD पैनल दिया गया है। इसमें ब्रास का इनले वर्क भी है, डुअल कलर में है, वाइट एंड ब्लैक कलर के अंदर है और ऊपर जो फॉल सीलिंग है उसमें आपको स्ट्रिप लाइट दी गई हैं। इसके साथ इसका अटैच वॉशरूम है। इस तरीके से प्रॉपर वॉशरूम दिया गया है। ये टाइल्स हैं इटालियन कंसेप्ट की, जैकवार, सारी चीज़ें आपको जैकवार की मिलती है। यहाँ पे आपको मिरर भी आपको LED लाइट वाला है और ठीक ठाक सा वॉशरूम का साइज़ है और फिनिशिंग एक बार को देखा जाए तो वर्कमैनशिप और इम्प्रूव हो सकती थी, बाकी साइज़ डिसेंट है सेकंड बेडरूम के अकॉर्डिंग। अब अगर हम सेंटर में अगर आके पूरे घर की वाइब चेक करें तो काफ़ी अच्छी नेचुरल लाइट आपको मिलती है और वो कॉन्टिन्यूटी में रहेगी क्योंकि पीछे की तरफ भी आपको ओपननेस मिलेगी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका बेहतरीन किचन जो कि काफ़ी लेंदी है और एक तरफ आपका वेट पार्ट है और दूसरी तरफ आपका पूरा ड्राई पार्ट है। 4 सेक्शन, ओह माय गॉड, 5 बर्नर हॉब है, काफ़ी ब्रॉड है। 5 बर्नर हॉब आपको इसमें मिलता है और वर्टिकल आपको फाइबर की चिमनी मिलती है और ये पूरा क्वार्ट्ज़ है जो एक ही स्टोन चल रहा है नीचे और सामने भी। ऊपर की तरफ लाइट कलर है और नीचे भी बिल्कुल प्लेन दिया गया है, सेम कलर। हैंड ऑफ की आपको किचन मिलती है, फिटिंग सारी हैंड ऑफ की है। ये आपकी प्रॉपर टॉल यूनिट और अगेन क्वार्ट्ज़ तो है ही है। यहाँ पे आपको लॉन्ग बॉडी आपको जैकवार की मिलती है, कैरासिल का आपको सिंक मिलता है, ठीक है। जो आपकी लैमिनेट्स हैं वो सारी इन्होंने मरीनो की लगाई हुई है, एक अच्छा है। पर कहीं और देखें तो एक्रेलिक और PVC भी आजकल काफ़ी इन है, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है, लैमिनेट्स थोड़े से चीपर साइड पे होते हैं। तो ये था किचन का पूरा ब्यूरा जो आप अगर देखें तो थोड़ा सा पाइप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, इसके लिए सॉल्यूशन की बात हम बिल्डर से करते हैं। और इस किचन की एक ख़ास बात और भी है, बेड साइड में भी आपको डोर ओपन मिलता है और यहाँ पे आपको मेश की जाली भी मिलती है। अगर आप इसको ओपन रखना चाहें तो ओपन रख सकते हैं और इस तरीके से आपको मेश की जाली मिलती है।
तो अब मैं आपको इसका रेफ्रिजरेटर का स्पेस दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको डबल डोर का रेफ्रिजरेटर का स्पेस मिलता है। थर्ड बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको एक बार दिखा दूँ कि ये सामने LCD पैनल की वॉल दी गई है और ऊपर जो फॉल सीलिंग है तो उसमें बीच में शेंडर मिलता है और दोनों आपको फैंस मिलते हैं और फॉल सीलिंग काफ़ी अच्छी की गई है। उसमें कॉफ लाइट काफ़ी बेहतरीन लाइटनिंग के बाद काफ़ी अच्छी लग रही है। तो अब मैं आपको इसका थर्ड बेडरूम दिखा रहा हूँ। एंट्री करते ही छोटा सा आपको फायर मिलता है और सामने की तरफ आपको LCD पैनल का स्पेस मिलता है। हालांकि काम किया गया है, दिया गया है आपको, और आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ करना चाहें तो अभी ये राइट टाइम है। ऊपर के फ्लोर्स में अभी नहीं हुआ। ये बेड की बैक है, इसमें ये बिल्कुल वॉल आपको प्लेन नज़र आ रही होगी। इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग तो अभी हम बिल्डर से डिस्कस कर सकते हैं और कुछ करा सकते हैं, ठीक है। 3 सेक्शन वार्डरोब्स मिलती हैं आपको टॉप टू बॉटम। इसमें सामान पड़ा हुआ है, खोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, पर 3 सेक्शन वार्डरोब है, काफ़ी स्पेशियस। LED लाइट्स भी इसमें मिलेंगी आपको। इसका ये वॉशरूम है, कनेक्टेड वॉशरूम है, अटैच्ड जैकवर की सारी फिटिंग्स हैं। पूरी टाइल्स आपको मिलती है, हाई ग्लॉसी में है बट बहुत लाइट कलर है। आप ये देखें मिरर, ये पूरी फिटिंग्स, जैकवार टाइल्स देखें तो हाई ग्लॉसी रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रहा होगा, पता चल रहा होगा, और फिक्स ग्लास एडिशन है हाफ वाला। तो ये था थर्ड बेडरूम जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो बेडरूम से बाहर आते ही अगेन ड्राइंग डाइनिंग लॉबी कितनी बेहतरीन लगती है। अब हम एंट्री कर चुके हैं इसके फोर्थ बेडरूम में, और बेडरूम के अंदर देखें तो आपको LCD पैनल का पूरा स्पेस मिलता है, पूरा बना के मिल रहा है आपको। ये बेड साइड की बैक है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद LCD पैनल ना बना के, क्योंकि अगर देते तो दोनों चीज़ें देते, मैचिंग बहुत ईजिली हो जाती, बट अगर दिया है तो बैक भी ज़रूर देते तो इसका ग्रेस और बढ़ जाता। सामने की तरफ 4 सेक्शन वार्डरोब है, टॉप टू बॉटम ग्रे कलर में है, और इसमें आपकी स्ट्रिप्स भी दी गई हैं, इनले वर्क भी है, और यहाँ पे आपको देखिए इस तरीके से आपको वार्डरोब मिलती है। और सेम पूरी वार्डरोब्स हैं, हर एक बेडरूम में सेम इसी तरीके की वार्डरोब आपको मिलेंगी। इसके साथ है इसका अटैच वॉशरूम, इस तरीके से आपको इसका प्रॉपर वॉशरूम मिलता है। सेम जैक्वार, सारी चीज़ें आपको जैक्वार की हैं, पूरा कॉम्बो बनता है इसका। मैट फिनिशिंग की टाइल्स हैं, हाई ग्लोसी आपके सामने है, LED वाला मिरर है। तो पीछे की बालकनी भी एक बार ज़रूर दिखाता हूँ। ये है आपके पीछे की बालकनी, पूरा लेटा हुआ घर है, टॉप टू बॉटम आपको इसी तरीके से मिलता है। ये है आपकी बैक साइड की बालकनी, काफ़ी वाइड है, 5 फीट वाइड अराउंड होनी चाहिए। हाँ जी, फाइनली पूरा घर मैं आपको दिखा चुका हूँ। घर की बात करें तो यार बहुत ही प्यारा घर है। छोटी छोटी किमियाँ हर घर में होती हैं, यहाँ पर भी थी, और मुझे लगा कि शायद हर एक बेडरूम के जो बेड साइड की बैक है वो होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरीके का काम होता है वो आपको यहाँ पे, चाहे वो वॉलपेपर होते, चाहे वो क्लासिक वॉल डिज़ाइन थे, या आपका बैक वॉल थी, कुछ भी था, तो होना बहुत ज़रूरी था। और क्योंकि LCD पैनल लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप LCD की बैक आप छोड़ दो, दोनों में से एक चीज़ तो आपने कर दी, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो मेन अट्रैक्शन आती है वो आपको बेड साइड की बैक की आती है, तो आई थिंक वो होनी बहुत ज़रूरी है। पर बिल्डर ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, मैंने इनकी इससे पहले भी साइट्स बेची हैं, 2 फ्लोर्स बेचे हैं, तो आफ्टर सेल सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि कभी कभार हमें एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी फ़ोन सुनने पड़ते हैं तो वो बहुत ऑकवर्ड सा लगता है, तो हम भी चाहते हैं कि हम उसी तरीके के बिल्डर को दें जिसके पहले भी पास्ट प्रोजेक्ट में अपना एक अच्छा काम करके और डिलीवरी करके अच्छी तरीके से उसको निभाया हो अपनी वर्कमैनशिप को। तो इसी तरीके का ये बिल्डर है और अच्छा काम किया हुआ है। तो पालम विहार के अंदर काफ़ी हम फ्लोर बेच चुके हैं जैसे, तो हमें आज तक अभी कोई दिक्कत नहीं आई। हालांकि 57 में हमें एक दो दिक्कतें आ चुकी हैं कि यार काम करते हुए बिल्डर्स कभी कभार आफ्टर सेल सर्विस नहीं देते, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपने ब्रोकर से या आप अपने एजेंट से या अपने कंसल्टेंट से ये पूछना चाहिए कि बिल्डर ने पहले इससे अच्छे काम किए नहीं किए। तो फाइनली ख़त्म करते हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें, मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, टिल देन गुड बाय।